लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप डांस के द्वारा सराहनीय काम किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप डांस लड़कियों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दे रहा है। ये काम कर रही नीलम बताती हैं कि घटना और दुर्घटना पर हमारा कोई बस नहीं होता, लेकिन सतर्कता, सावधानी और होशियारी हमें कई विपरीत हालातों से बचा सकती है। बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर हर किशोरी, युवती और बड़ी उम्र की महिलाओं को कुछ आवश्यक सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। कभी भी गुंडों से बहस न करें और न ही उनके आगे बेचारी बने, बल्कि अपने आप पर विश्वास रखें और चतुराई से परिस्थितियों से निपटें। महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए ये बता रही है नीलम। भाई ने कैसे टच करा, बहन ने कैसे टच करा, पता चलना चाहिए कि लड़कियों को कि कैसे वो टच कर रहे हैं। और एकदम या तो आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी बड़े को डिस्कस करें, या फिर अपने टीचर्स का डिस्कस करें जिससे आप बहुत क्लोज हैं, या फिर आप जो आज टाई कमांडो की क्लासेस दी गई हैं आप उससे भी अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। माँ अगर चाहे तो अपनी बच्ची को वो खुद इतना मजबूत बना सकती है कि उसके साथ इस तरह की घटनाएं न घटें। खुलकर बच्चियों को ये बताया जाए कि उन्हें किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए और छोटी सी उम्र में सुरक्षित रह सकें। इसको लेकर समर कैंप में हरिद्वार में कुछ लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और उन्हें ये ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लड़कियों का कहना है कि जो व्यक्ति हमारे सामने है उसकी निगाहें कहाँ हैं और वो हमें किस तरह से छू रहा है, इस पर सभी का ध्यान होना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये लड़कियां डांस, योगा, जुम्मा, जूडो और कुंग-फू के गुर भी सीख रही हैं ताकि इन्हें मजबूत बनाया जा सके। नीलम मैम ने हमको सब कुछ सिखाया, जैसे कि कोई इंसान है वो किस टाइप से आपको टच कर रहा है, वो आपको भाई की नज़र से देख रहा है, फ्रेंड की नज़र से देख रहा है, अपने बड़ों की नज़र से देख रहा है, किस गंदी नज़र से देख रहा है, वो सब हमको सिखाया। और ताइक्वांडो सिखाया कि जिस कि ताइक्वांडो सीखने की वजह से हम किस तरह से किसी से डिफेंस कर सकते हैं। आज हमने एक तो ताइक्वांडो सीखे, ये सब सीखा मतलब, और लोगों की थिंकिंग को देखा मतलब कैसे उनको जज करते ऐसे समझा दी। बैड टच, गुड टच तो हम वो पहचान सके वो बताया था, और मार्शल आर्ट्स की हेल्प से उसे हम बच सकते हैं। हमारे देश में रेप की कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने हमें झकझोर कर रख दिया। इसके लिए आज जरूरत है बच्चियों को बचाने की और इसी तरह से उन्हें जागरूक करने की। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।